हेलो एवरीवन आई एम पार्थ आज की वीडियो में हम रिपोर्टेड हेल्थ डिस्कस करेंगे एक एक पॉइंट एनसीईआरटी का मैं कवर करा दूंगा अगले 10 से 15 मिनट में आपको तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम पर इनिशिएटेड इन इंडिया इन ईयर कौन से 1951 आरसीएच फुल फॉर्म क्या है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर स्टेटरी बैन ऑन डैश फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग डैश फीटोसाइट्स बैन ऑन पे हो किया गया क्योंकि female increase हो रहे थे इंडिया में. Is used to test the presence of disorders like, कौन से तीन डाउन सिंड्रोम हीमोफीलिया और सिक्कल सेल अनिमिया के लिए अभी भी हम एमनियोसेंटेसिस यूज करते हैं पहली वॉज डेवलप बाय साइंटिस्ट एट कहाँ पे सी डी आर आई सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में वर्ल्ड पॉपुलेशन वॉज डैश बिलियन इन 1900 एंड डैश बिलियन इन 2000 थाउजेंड तो नाइनटीन में थी 2 बिलियन और 2000 में हो गई 6 बिलियन सोचो इंडिया पॉपुलेशन वॉज देड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस क्रॉस 1 बिलियन इन डैश इंडिपेंडेंस पे थी 350 मिलियन थी और 1 मिलियन क्रॉस गई 2000 में पॉपुलेशन रेट वॉज देन डैश परसेंट अकॉर्डिंग टू सेंसस रिपोर्ट ऑफ टू लेस देन लेसेंट वॉट आर द फीचर्स ऑफ एन आइडियल कॉन्ट्रसेप्टिव क्या होते हैं छह फीचर देखो यूजर फ्रेंडली होना चाहिए इजिली अवेलेबल होना चाहिए इफेक्टिव होना चाहिए रिवर्सिबल होना चाहिए साइड इफेक्ट कम से कम होने चाहिए या बिल्कुल भी नहीं हो तो भी चलेगा शुड नॉट इंटरफेयर विद द सेक्सुअल डिजायर के साथ इंटरफेयर नहीं करना चाहिए नेम ऑल द मैथड ऑफ कॉन्ट्रसेप्शन कौन कौन से मैथड है नेचुरल या ट्रेडिशनल मैथड बोलते हैं उसी को बैरियर मैथड सेप्टिव इंजेक्टेबल्स, इम्प्लांट्स और सर्जिकल मेथड कपल्स कोइटस फ्रॉम डे डैश टू फ्रॉम द मेन्ट्रल साइकिल एक्सीडेंस फ्रॉम तो टेन टू सेवनटीन में अवॉइड करते हैं क्योंकि उस टाइम पे ओवुलेशन हो रहा होता है डैश इज इन विच द मेल पार्टनर विद्रॉल पेनिस फ्रॉम दिजा जस्ट बिफोरेशन क्या बोलते हैं कौन सा मेथड है

या लेटेक्स शीत के बने लेटेक्स शीत के, के, तो के बने होते हैं कॉडम ऑल्सो प्रोटेक्ट फ्रॉम डैश एंड डैश किसके एस टी आई से प्रोटेक्ट करते हैं और एड से प्रोटेक्ट करते हैं डैश 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 आर ऑल्सो बैरियर मेथड ऑफ रबर इंसर्टेड इन टू द फीमेल रिप्रोडक्टेड ट्रैक्ट तो डायफ्राम्स सर्वाइकल कैप्स एंड वॉल्ट बैरियर मेथड होते हैं रबर के बने होते दे कवर डैश ज्यूरिंग को कवर करते हैं

बेस्ट तो है ये बट ये प्राइवेसी नहीं देते यूजर को आईओडीज आर इंसर्टेड इन यूट्रस टेल थ्री टाइप्स ऑफ आईओडीज नॉन मेडिकेटेड होती है नॉन मेडिकेटेड कॉपर रिलीजिंग होती है और हार्मोन रिलीजिंग होती है एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेडिकेटेड क्या है लिपल स्लूप एग्जाम्पल ऑफ कॉपर रिलीजिंग क्या है कॉपर टी कॉपर सेवन और मल्टीलोड मल्टीलोड थ्री सेवेंटी फाइव एग्जाम्पल ऑफ हार्मोन रिलीजिंग क्या है भैया तो क्या होता है तो सप्रेस मोटिलिटी, सप्रेस क्या की मोटिलिटी को और फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी को भी कम कर देता है हार्मोन रिलीजिंग आयोडी मेक यूट्रस डैश एंड सर्विस डैश यूट्रस को अनसूटेबल बना देगा इम्प्लांटेशन के लिए और सर्विस को क्या बना देगा हॉस्टाइल टू डैश आर आइडियल कॉन्ट्रसेप फॉर फीमेल क्या होते हैं आईओडीस नीट में आ चुका प्रोजेस्टोजन एंड आर सेम थिंग ऐसा होता है क्या आंसर इज फॉल्स प्रोजेस्टेर एक टाइप कर प्रोजेस्टोजन है ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आइदर डैश और डैश कंबिनेशन कॉन्ट्राप्टिव मेटर यूज बाई फीमेल आइदर प्रोजेस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोजन ईस्ट्रोजन

इमरजेंसी प्रेगनेटेड बाई थ्री वेड्रेटेड विदिन सेवन को थ्री वेज क्या होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेर या प्रोजेस्ट्रोजन ईस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन या आई यूटी ये तीन चीजें हम कर सकते हैं इमरजेंसी प्रेगनेंसीज में को रोकने के लिए सर्जिकल मैथड आर ऑल्सो कॉल्ड क्या बोलते हैं स्टर्लाइजेशन बोलते हैं डैश इज अ टर्मिनल मेथड टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी क्या है स्टरलाइजेशन इंसिजन इन डैश इज पे डोमी में करेंगे इंसिजन डैश और डैश ट्यूबेक्टोमी एपडोम में करते हैं या बेजाइना के थ्रू हम करते हैं इंसिजन द टेक्निक विद हाई सेंसुबल पुअर रिवर्सिबिलिटी आर दो टेक्निक है वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी वेसेक्टोमी ये हो रही है यहाँ पे वास्ट डिफरेंस काटा जा रहा है ठीक है और ट्यूबेक्टोमी ये हो रही है यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब काटी जा रही है नियरलीस मिलियन एम टी पी आर परफॉर्म इन ईयर कितने एम होती है भैया फोर्टी फाइव से लेके फिफ्टी मिलियन तक दिस अकाउंट टू परसेंट ऑफ टोटल प्रेगनेंसी इन ईयर कितनी ट्वेंटी एम टी पी को और क्या बोलते हैं इंड्यूस्ड अबॉर्शन करा बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज एम कौन से ईयर में नाइनटीन में एम टी पी सेफ टिल कहां तक फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक तो सेफ तो है कोई दिक्कत नहीं है एम टी पी कैनोट बी डन लीगली आफ्टर ट्वेल्व आंसर इज फॉल्स नहीं करा ही जा सकती ऐसा नहीं है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद बिल्कुल कर ही नहीं सकते कर सकते हो लेकिन लीगल परमिशन लेना पड़ेगा एस टी आई ऑल्सो कॉल डैश और डैश एस टी आई को हम और क्या बोलते हैं वेनरल डिजीज बोलते हैं या रिप्रोडक्टिव ट्रेट इन्फेक्शन बोलते हैं आठ एस टी आई का नाम बताइए तो गोनोरिया सिफिलिस जेनेटल हर्पीस क्लेमाइडियल इन्फेक्शन तो क्लेमेडियास बोलते हैं उसको जेनाटल वार्ड्स ट्राइकोमोनियासिस और हेपेटाइटिस बी और एड्स ठीक डैश इज द मोस्ट डेंजरस एच कौन है एच इन्फेक्शन या एड्स एक्सेप्ट डैश अदर डिजीज और कम्प्लीटली क्यूरेबल एव डिटेक्टेड अर्ली एक्सेप्ट तीन डिजीज वो बाकी कम्प्लीटली क्योरेबल एवं डिटेक्टेड अर्ली तो एक्सेप्ट हेपेटाइटिस बी जेनाइटल हर्पीस और एच आई बी फीमेल इंफेक्टेड विद एस टी आई मे ऑफन बी एंड ए मे एन मेर फॉर लॉन्ग आंसर इज बिल्कुल ट्रू पी आई डी का फुलफॉर्म क्या है पेल्विक इन्फॉर्मेटरी डिजीजेस एस टी आई इंसिडेंसेज हाई इन कौन सा एज ग्रुप में फिफ्टीन टू ट्वेंटी फोर ई टी का फुलफॉर्म क्या है एम्ब्रियो ट्रांसफर ठीक है जेड आई एफ टी का फुलफॉर्म क्या है इंट्रा इंट्राफेलोपियन

तो, अगर less than है तो वो थोड़ा अभी इमेच्योर है तो उसे हम कहां ट्रांसफर करेंगे लेकिन अगर मोर देन एट है तो भैया फेलोपियन टूब में डालने की जरूरत नहीं है आप डायरेक्ट अपने यूटराइन कैविटी में डाल सकते हो इंट्रा यूटराइन ट्रांसफर कर सकते हो इन गिफ्ट आर ट्रांसफर टू फेलोपियन ट्यूब फेलोपियन ट्यूब में होता है क्या स्पर्म ट्रांसफर आंसर इज फॉल्स स्पर्म नहीं होते ट्रांसफर याद रखें ओवम ट्रांसफर होते हैं गिफ्ट में ठीक है गिफ्ट में स्पर्म नहीं दिए जाते ओवम दिए जाते हैं इन एआई स्पर्म्स आर ट्रांसफर टू फेलोपियन ट्यूब ऐसा होता है क्या आंसर फिर से फॉल्स एआई में भी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में भी स्पर्म्स आर ट्रांसफर इनटू वजाइना Into and mein डालते हैं ना कपल्स लुकिंग फॉर एडॉप्शन। डिफाइन इनफर्टिलिटी इनफर्टिलिटी क्या होता है इन टू कंसीव और प्रोड्यूस चिल्ड्रन इवन आफ्टर टू ईयर कोबिटेशन इज कॉल्ड इनफर्टिलिटी मतलब दो साल से अनप्रोटेक्टेड से कर रहे हैं लेकिन अभी भी फर्टाइल नहीं हुए हैं कोई भी उनकी प्रेग्नेंसी नहीं हो पाई है तो उसे हम बोलते हैं इनफर्टिलिटी तो आखिर में एक मीम जो आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फिजिक्स क्लास ये एक्सप्रेशन रहता है केमिस्ट्री क्लास ये एक्सप्रेशन रहता है बायोलॉजी में रिप्रोडक्शन जब क्लास आती है तो बच्चों का एक्सप्रेशन बिल्कुल ही चेंज हो जाता है जो अभी होगा आप सभी लोगों का एक्सप्रेशन तो कोई बात नहीं चलते रहिए मजे करते रहिए जिंदगी में और आगे बढ़ते रहिए ऑल द बेस्ट एवरी वन फॉर योर नीट एग्जाम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में बाय